शहर की न्यू पलासिया कॉलोनी में टेलीकॉम कंपनी ने टावर लगाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसका रहवासियों ने जमकर विरोध किया। इतना ही नहीं, रहवासियों ने टेलीकॉम कंपनी के अधिकारियों को टावर ना लगाने की चेतावनी भी दे दी। देखिए इस रिपोर्ट में। न्यू पलासिया के अंतर्गत आने वाले मनपसंद गार्डन के पास इन दिनों निजी टेलीकॉम कंपनी टावर लगाने के लिए गड्ढे खोदने का काम कर रही है, जिसका रहवासियों ने पुरजोर विरोध किया। वार्ड से जुड़े संतोष वर्मा की माने तो टावर लगने के बाद उससे निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन से रहवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पर हम खड़े हैं, ये मनपसंद गार्डन है और ये न्यू प्लासिया के अंतर्गत आता है और यहाँ के सबसे पास कॉलोनी कही जाती है इंदौर की, और यहाँ पे छोटे बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पे टहलती हैं। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, बड़ा सा गड्ढा खोद दिया इन लोगों ने, भारत संचार एयरटेल वालों ने, यहाँ पे मोबाइल टावर लगा रहे हैं। सभी रहवासियों से कल मेरी बात हुई, कल मैं पूरे वार्ड में विजिट कर रहा हूँ, वार्ड क्रमांक 43 में। तो कल मेरे को रहवासी गणों के द्वारा ये इसकी कंप्लेंट करी गई कि ये जो अवैध टावर लग रहा है, इसका विरोध किया जाए। और मेरे साथ काफ़ी जो रहवासी गण यहाँ पर आ गए हैं और हमारा ये विरोध है, और इनका कहना है, जो एयरटेल वाले, उनका कहना है कि यहाँ पे हमें परमिशन दी गई, क्षेत्रीय अजय देव शर्मा जी ने हमें परमिशन दी है एयरटेल टावर लगाने की। तो मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि ये रहवासी क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे सभी बच्चे बूढ़े सब घूमते हैं, उसके बाद इसकी जो रेडिएशन जो रहती है वो बहुत घातक है आम जनता के लिए, और हमारा क्षेत्रीय रहवासियों का बहुत बड़ा विरोध है। और यहाँ के भाजपा के जो पार्षद हैं वो निष्क्रिय हैं, वो आए थे, उन्होंने पहले यहाँ पे गड्ढा खोदा पास में गार्डन के पास के गेट के, वहाँ से हटवा के शिफ्ट करवा के इसको यहाँ पे करवाने का बोला उनको। तो यहाँ पे इन्होंने कल गड्ढे खोदे रात को, कल रात तक हमने इसका पूरा वाच करा, ये लोग आए नहीं, मगर आज सुबह दिन में सुबह से इनका काम चालू हुआ, हमने काम रुकवा दिया है। और कलेक्टर से, कमिश्नर से और यहाँ के जितने भी संबंधित अधिकारी जो इस टावर के संबंधित जो परमिशन दी गई, उनके सभी को हम इसका विरोध दर्ज कराएंगे, और अगर काम नहीं रोका गया तो हम यहाँ पर विरोध दर्ज करके और भूख हड़ताल पर ही बैठेंगे। हमारे रहवासी गणों के लिए हम तन मन धन से और पूरा पूर्ण रूप से ताकत से लगेंगे, वो हमारे साथ सभी लोग हैं, और ये सभी का नहीं है, मेरे आसपास की जितने भी रहवासी, बड़ी बड़ी मल्टी आसपास बनी है, मल्टियों के आसपास जो तरंगे जाएंगी उसका जो घातक परिणाम आएगा आप सभी को मालूम है, रेडिएशन से क्या क्या घातक नुकसान होते हैं, कैंसर सारी की बीमारियाँ पैदा होती है, जो आदमी को धीरे धीरे मालूम नहीं पड़ता कब कैंसर हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे रहवासी गण सभी इसका विरोध कर रहे हैं, और आप लोग भी हमारा सहयोग करें, कलेक्टर तक इसकी आवाज़ पहुँचाएँ और मीडिया के माध्यम से जो अधिकारी सोए हों उनको जगाएँ कि अच्छे जो क्षेत्र में आप जिस तरीके से ये टावर अवैध रूप से लगवा रहे हैं और यह कंपनियों के आदेश से उनके सहारे पे जो काम चल रहा है वो बंद कराया जाए, यही हमारा माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन भी है और अपील भी है। रहवासियों की माने तो इससे पहले टेलीकॉम कंपनी ने टावर लगाने के लिए गार्डन के पास गड्ढा खोदा था, जिसका विरोध करने पर उस गड्ढे को अब गार्डन से थोड़ी ही दूरी पर फिर से खोद दिया गया है। पूरा रेसिडेंशियल एरिया होने के कारण यहाँ पे टावर की जो प्लानिंग लेके आए हैं ये लोग, पूरी तरीके से गलत है। सामने गार्डन ने पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, कॉर्नर इन्होंने जो लिया है, आप पीछे देखें बिल्कुल लगा हुआ रेसिडेंस है, सड़क का डिस्टेंस नहीं है ज़्यादा, उसके बावजूद बिना अनुमति के यहाँ पे काम चालू करा है इन लोगों ने, जिसके लिए भाई साहब के साथ में हम लोग इसका पूरा विरोध करते हैं। ये काम बंद होना चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया होने के कारण यहाँ पे टावर की परमिशन नहीं होना चाहिए। भाई रेडिएशन का कितना वॉल्यूम आएगा, रेडिएशन का इतना आ रहा है, रेगुलर चल रहा है रेडिएशन को लेके, उसके बावजूद ये लोग इस तरीके से काम स्टार्ट करवाएंगे तो जो कि गलत है। रहवासियों ने टेलीकॉम कंपनी को कॉलोनी में गड्ढा नहीं खोदने की चेतावनी दी है, फिर भी यदि कंपनी यहाँ टावर लगाती है तो रहवासी उग्र आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।